गुड मॉर्निंग क्लास एट बीज गणित एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 5वां भाग का सवाल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स में एक्स प्लस वाई से भाग देना है। देखिए पांचवें का फाइव एक्स प्लस वाई से भाग देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स तो एक्स बार जाएगा इसका, इसमें यहाँ ऐसी संख्या लिखना कि इसका गुणा करने से पहला अंक पहला अक्षर मिल जाए। तो क्या मिला? एक्स। एक्स का एक्स में गुणा करने से एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स का वाई में गुणा करने से प्लस एक्स वाई आएगा, इसको बाहर लिख देंगे प्लस एक्स वाई। ठीक, आप बीजगणित में घटाते हैं भाग देने में, अंकगणित में भी यही काम करते हैं, बीजगणित में भी यही काम करते हैं। तो बीजगणित में घटाने में नीचे की लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया और ये बचा क्या, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स, ये बचा। ठीक है, आप कितनी बार जाएगा भाग या सिक्स ना उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ना उतारो, सिक्स ना उतारिए। चलिए आप कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखिए, तो आप वाई लिख दें तो चला जाएगा, तो माइनस वाई, माइनस वाई का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस वाई का वाई में गुणा करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप बताएंगे कि ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट गया, तो ये आया टू वाई स्क्वायर, क्या आया टू वाई स्क्वायर और प्लस सिक्स, तो टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स यही शेष आ गया। ठीक है, क्या है शेष, टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स। इसमें कहता है ये भागफल हो गया तो टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स ये शेष आ गया। माइनस देखिए ध्यान से देखिए जरा, माइनस वाई का यक्ष का, माइनस वाई का यक्ष में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा, क्या आएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स वाई हुआ है और यहाँ प्लस, तो आप प्लस एक्स वाई और यहाँ क्या आएगा, यहाँ कितनी बार ले जाएंगे, माइनस वाई का गुणा किया एक्स का एक्स स्क्वायर आया, फिर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस हुआ। ठीक है, तो प्लस एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई आया, क्या आएगा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, और ये फिर कितनी बार ले जाएंगे प्लस वाई बार, कितनी बार ले जाएंगे प्लस वाई बार, तो ये आएगा प्लस वाई का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हुआ अभी तो पता, माइनस टू एक्स वाई और प्लस सिक्स। ठीक है, देखिए ध्यान से उसमें फिर से इसको ये आया माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई
प्लस वन वाई स्क्वायर और प्लस वन और प्लस वाई ले जाएंगे तो एक्स वाई एक्स वाई और माइनस प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस ये माइनस ये तो माइनस टू एक्स वाई आ गया और ये कट गया ये क्या आया प्लस सिक्स माइनस टू एक्स वाई प्लस सिक्स शेष बचा क्या बचा माइनस टू एक्स वाई प्लस सिक्स फिर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स तो देखिए यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो गया और यक्स का वाई में गुणा करेंगे प्लस एक्स वाई आया फिर यहाँ माइनस नीचे की लाइन चिन्ह बदल दिए अब ये माइनस एक्स वाई आया प्लस वाई स्क्वायर उतार दिया अब प्लस वाई बार जाएगा तो प्लस वाई बार ले जाएंगे तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस का प्लस एक्स वाई ठीक है और वाई का वाई में गुणा प्लस वाई स्क्वायर आ गया अब माइनस ये माइनस वाई स्क्वायर कट गया बचा क्या माइनस टू एक्स वाई और प्लस सिक्स ये शेष शेष है और ये भागफल है ठीक है अगला देखिए सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी सेकेंड पांचवें का एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी में भाग देना है इसका एक्स प्लस फोर का यक्ष बार जाएगा यक्ष स्क्वायर फिर प्लस फोर यक्ष बता दिया माइनस माइनस कट गया फाइव यक्ष बचा प्लस ट्वेंटी फाइव यक्ष प्लस ट्वेंटी आप कितनी बार जाएगा प्लस पांच बार जाएगा तो पांच यक्ष प्लस पांच और बीस माइनस माइनस कट गया क्या आया एक्स प्लस फाइव फिर से एक्स को एक बार देखिए जरा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी में भाग देना है एक्स प्लस फोर का तो एक्स बार जाएगा तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आया फिर एक्स का गुणा चार में करेंगे तो प्लस फोर एक्स आया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स आप घटा दिया माइनस ये माइनस तो नाइन एक्स में फोर एक्स निकल गया क्या बचा फाइव एक्स प्लस बीस फाइव एक्स प्लस बीस अब पांच बार पांच गुणा फाइव एक्स और प्लस पांच और बीस माइनस माइनस एक्स प्लस फाइव आंसर क्या आया एक्स प्लस फाइव ठीक है समझ में आया आगे देखिए
आज तीसरा नंबर देखिए, पांचवे का तीसरा, 14x² + 13x + 15 भाग देना है 7x - 4 7 × 14 दो आ जाएगा, देख सकते हैं 14x² फिर -8x - ये कट गया, ये आया 21x + 15 और 4×21 + 3 21x + -12 - ये कट गया, क्या आया 27x। ठीक है, फिर से देखिए इसको एक बार, 14x² + 13x + 15 भाग देना है 5 बार, तो सकते 14x² फिर -8x, अब माइनस ये प्लस ये कट गया, ये 13×21x + 15 3 बार, 3×21x - 12 - +12×15 = 27 कितना आया 27, तो 2x + 3 आंसर आया 27। आगे देखिए, a³ - b³ चौथा नंबर, भाग देना है a - b का, a² + b² अब क्वेश्चन नंबर 6वां, x² का गुणांक बताना है, 6x² + 2x + 18 ये लग गया, समझ में आया पूरा, x² + 2x + 18 तो x² का गुणांक, ए नंबर
x स्क्वायर का गुणन बराबर 6 ठीक। अब इसके बाद बहुपद की घात क्या है इसमें 2 घात क्या है बहुपद की घात 2 बहुपद की घात 2 फिर इसके बाद अचर पद क्या है सी नंबर अचर पद बराबर 18 अचर पद बराबर 18 और इसके बाद यक्ष का गुणांक डी नंबर यक्ष का गुणांक बराबर 2 यक्ष का गुणांक बराबर 2 ये समझ में आया कोई प्रॉब्लम अब आ जाएगा तो ये छठवें का सेकंड थर्ड फोर्थ कर लेना होमवर्क छठवें का सेकंड थर्ड फोर्थ करना है ठीक है छठवें का सेकंड थर्ड फोर्थ करना है ये हमने छठवें का फर्स्ट लगवा दिया गुड बाय।